बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इयाक नअबुदु व इयाक नस्तईन। जनाब चीफ मिनिस्टर साहब, आपको, आपकी टीम को, आपकी सारी एडमिनिस्ट्रेशन को और मैं ख़ास तौर पे इमरान अमीन आपको आज मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमारा एक पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, हम उस रास्ते के ऊपर निकले हुए हैं, वो हम काम करने जा रहे हैं जो कि इंशाअल्लाह बाकी भी हमारा मुल्क में सियासतदान भी देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर्स भी देखेंगे कि ये मुमकिन है कि आप एक नया शहर भी बना सकते हैं, मॉडर्न शहर भी बना सकते हैं और सबसे बड़ी बात यह कि अपनी एनवायरनमेंट, अपनी माहौलियात, अपने आने वाली नस्लों के लिए जो शजरकारी का आज आगाज़ किया है, आप उनको ये बता सकते हैं कि अगर हमने अपनी नस्लों के लिए एक बेहतर पाकिस्तान छोड़ना है तो बहुत ज़रूरी है कि हम सारी कौम मिल के ये अपने से और अल्लाह के सामने हम ये अहद कर लें कि हमने अपने मुल्क को हरा करना है। जो अल्लाह ने इतनी ज़्यादा नेमतें बख्शी हैं पाकिस्तान को, हमने उसका शुक्र अदा करना है उन नेमतों का ध्यान रख के। मैं जब इस मुल्क में पहली जनरेशन बड़ा हुआ हूँ तो मैंने अपनी आंखों के सामने पाकिस्तान में जंगलात को तबाह होते देखा, वाइल्ड लाइफ, हर किस्म, पाकिस्तान में हर किस्म का जानवर था। आहिस्ता आहिस्ता हमारे जैसे जैसे जंगलात गए हमारे जानवर भी कम हो गए और फिर ये हमने, क्योंकि मैं लाहौर में बड़ा हुआ तो लाहौर की माहौलियात की तबाही देखी। लाहौर का मीठा पानी था, सब नलके से पानी पीते थे, देखते देखते वो पानी तबाह हुआ, फिर माहौलियात तबाह हुई। लाहौर में तो ये इस तरह की पोल्यूशन कभी थी नहीं, लाहौर तो सिटी ऑफ गार्डन समझा जाता था। तो आहिस्ता आहिस्ता ये हालात देखे कि हमें ये खौफ आता है सुन के कि हमारे बच्चे और हमारे बूढ़े जो लाहौर में बड़ा हो रहे हैं, जो पोल्यूशन की सतह है, जो लेवल्स हैं, वो इतने ऊपर चले गए हैं कि बच्चों की भी जाने खतरे में है और बूढ़ों की भी, हर किस्म की बीमारी है जो जिस लेवल की पोल्यूशन पहुंच गई है लाहौर में। और फिर जो पानी है वो नीचे जा रहा है और वो पानी पीने के अलावा तो छोड़ो, जो हम इस रावी के अंदर सीवरेज, सारी लाहौर की सीवरेज जा रही है और वो सीवरेज याद रखें कि वो नीचे तक जाती है सिंध तक, सारे लोगों को ये जब रावी जाता है दरियाए सिंध में तो ये सारी सीवरेज नीचे तक जा रही है और फिर वो जो पानी ग्राउंड वाटर जो कंटेमिनेट हो रहा है क्योंकि हम सीवरेज को ट्रीट नहीं कर रहे। तो ये जो प्रोजेक्ट है रावी का, ये सिर्फ लाहौर के मुस्तकबिल के लिए नहीं है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है और ये हमें पहले दिन से पता था कि ये मुश्किल है। अगर मुश्किल ना होता तो जनरल मुशर्रफ के दौर में बन जाता, प्लान तो तब हुआ था ये, फिर उसके बाद पीएमएलएन, पंजाब से पंजाब स्पीड, शहबाज शरीफ उसने बना लेना था लेकिन वो नहीं बना सका। लेकिन अब ये जो गवर्नमेंट आई है आपकी, उस्मान बाजार, ये इसलिए बनाई गई क्योंकि इतने बड़े प्रोजेक्ट सिर्फ तब कामयाब होते हैं जब एक इंसान इरादा कर लेता है कि हम किश्तियां जला के जाएंगे यहां, यानी वापसी कोई नहीं है।
जो भी हो जाए हम ये प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। और मुझे पता है ये एक साल के अंदर हमें कितने मसले आए हैं, इसमें हर किस्म के चैलेंजेस आए हैं, और लोगों ने स्टे ऑर्डर ले लिए, डिले किया प्रोजेक्ट को, लेकिन इंशाल्लाह जो हमारा आज़म था उसकी वजह से आज हम उधर हैं कि इंशाल्लाह अब हम तकरीबन सारी रुकावटें दूर कर बैठे हैं, और भी आएंगी सामने, लेकिन जो मुश्किल आती शुरू में, असल में प्रोजेक्ट का जो शुरू करना है वो सबसे मुश्किल होता है। असल में प्रोजेक्ट्स फेल शुरू में होते हैं। एक दफ़ा प्रोजेक्ट, इतने बड़े प्रोजेक्ट का जब मोमेंटम बन जाता है फिर उसको कोई नहीं रोक सकता। तो आज जो मुझे खुशी हुई कि एक नई चीज़ अब आई है, एक तो हमने स्मार्ट लॉकडाउन लगाए थे, वो सारी दुनिया बड़ी हैरान थी कि स्मार्ट लॉकडाउन क्या होता है, मजाक भी उड़ा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो कोरोना को पाकिस्तान ने जिस तरह डील किया, दुनिया में मिसाल दी जाती है पाकिस्तान, टॉप 3 मुल्क हैं स्मार्ट लॉकडाउन का इस्तेमाल किया। अब ये स्मार्ट फॉरेस्ट बन रहा है, तो स्मार्ट फॉरेस्ट का मुझे आज बड़ी खुशी हुई है ब्रीफिंग लेके स्मार्ट फॉरेस्ट पे, कि अब हमने हवावे के साथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, और टेक्नोलॉजी का किस तरह इस्तेमाल कि हम तकरीबन हर पौधे का उसकी ग्रोथ देख सकेंगे। ये है टेक्नोलॉजी, ये जो दुनिया आगे बढ़ रही है, इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है ये कि हम अब ये देख सकेंगे पौधा किस रेट पे बढ़ रहा है। जो सबसे मुझे खुशी ये है कि ये जो मशीनें दरख्त काटने की, जो ये 100 मशीन्स होती हैं, वो अब ये जो नई टेक्नोलॉजी है एकदम सेंसर से पता चल जाएगा कि यहाँ पौधा या दरख्त काटा जा रहा है, और फिर दरख्त की पूरी ऊपर से पता चल जाएगा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दरख्त उग नहीं रहे, या तो एक्ट करेंगे पहले। ये बड़ी माशाल्लाह साइंस का ये बहुत पॉजिटिव फ़ायदा है, और इंशाल्लाह ये जो स्मार्ट फॉरेस्ट है ये फिर हम सारे पाकिस्तान में इसकी मिसाल देंगे। हमारे बड़ी अफसोस से कहना पड़ता है कि बड़े हमारे दरख्तों की तबाही की गई। आप ये सोचें कि 2013 तक सारे पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ 64 करोड़ दरख्त उगाए गए हैं, और सिर्फ पख्तूनख्वा में हमने 2013 से लेके 2018 तक 1 अरब दरख्त उगाए। 5 सालों में 1 अरब दरख्त उगाए, हमारी सारी तारीख में 60 सालों में 64 करोड़ दरख्त उगाए गए। और इंशाल्लाह जो अब हम टारगेट, जिसमें ये भी शामिल है, 10 अरब दरख्त हमने लगाने, ये समझ जाएं कि 10 अरब दरख्त का जो टारगेट है हमारा, जब हम पहुंचेंगे पाकिस्तान बदल जाएगा, मौसम भी बदल जाएगा। जब आप दरख्त उगाते हैं उससे मौसम के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है, दरख्त काटते हैं उसका मौसम पे इम्पैक्ट पड़ता है। हमारी 3 बहुत बड़े मसले हैं। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है पानी का, ये हमारा यानी दुनिया में पानी का मसला आने वाला है, उसके लिए दरख्त उगाने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो पाकिस्तान को ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है। हम दुनिया में उन 10 मुल्कों में से हैं जो सबसे ज़्यादा मुतासर हो गए ग्लोबल वार्मिंग से। हमारे दरियाओं के अंदर पानी कम होता जाएगा, क्योंकि हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये जो हमारी टारगेट है 10 अरब दरख्त का, पहले तो इसको इम्पैक्ट करेगा, फिर शहरों में पोल्यूशन है जो मैंने शुरू में आपको कहा, फिर ये जो हम अनट्रीटेड पानी, सीवरेज का पानी अपने दरियाओं में डाल रहे हैं, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, ग्राउंड वाटर पे इम्पैक्ट है, इससे लोगों की सेहतों पे फ़र्क पड़ेगा। तो ये जो प्रोजेक्ट है लाहौर का, ये सारी चीज़ें एड्रेस करता है। सबसे पहले ये एक पहली दफ़ा प्लान करके यहाँ 1 करोड़ दरख्त उगाए जाएंगे। 1 करोड़ दरख्त, आप सोचें कि पूरा जंगल बन जाएगा यहाँ, उससे फिर लाहौर के शहरियों के लिए, कुछ टूरिज़्म के लिए यानी जाने के लिए, बच्चों के साथ लोग बाहर निकलना चाहते हैं छुट्टी के दिन, कोई जगह नहीं है लाहौर में, तो ये इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा टूरिज़्म के लिए भी, लाहौर से लोग आएंगे इधर, तो ये पूरा एक जंगल भी बन जाएगा और बड़ी प्लान किस्म का जंगल होगा टूरिज़्म के लिए। फिर 3 बराजेस बनेंगे रावी के ऊपर, पानी को रोकेंगे,
जब पानी को रोकेंगे तो लाहौर का जो ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है वो फिर ऊपर आना शुरू हो जाएगा, और फिर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगेंगे जो कि लाहौर का सूरज का पानी ट्रीट करके दरिया में डालेंगे, ताकि नीचे तक हम लोगों की सेहतों को ख़तरे में ना डालें। तो ये एक पहली दफ़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बन गया है। और फिर जो एक और भी चीज़ के इससे जो नौकरियां मिलेंगी लोगों को, 10 लाख नौकरियां इससे मिलेंगी। और फिर हमने जो एस्टिमेट किया कि 40 अरब डॉलर इकॉनमी में आएगा इसकी वजह से, ये शहर बनने की वजह से। 40 अरब डॉलर का मतलब कि तकरीबन जितना पाकिस्तान का सालाना बजट है 22 करोड़ लोगों का, वो जनरेट करेगा ये शहर। तो इंशाल्लाह इसका सारा इम्पैक्ट पड़ेगा रोज़गार के ऊपर, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी इंडस्ट्री पे। कंस्ट्रक्शन जब शुरू होगी तो 30 और इंडस्ट्रियां चलनी शुरू हो जाएंगी, और इससे फिर हमारी इकॉनमी बढ़ेगी, हमारा रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ेगा, जो कि हमने इतने कर्जे दे रहे हैं। तो ये बड़ी चीज़ें पाकिस्तान के मसले ये प्रोजेक्ट एड्रेस करेगा। मैं फिर से आखिर में कहूँगा चीफ मिनिस्टर साहब कि आपको मुश्किलों का सामना पड़ेगा, आपकी टीम सारी, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन सबको तैयार होना चाहिए मुश्किलों के लिए, सबको हर तरह की जो भी रुकावट हो उसको हटाने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, और अजम करना चाहिए कि कोई चीज़ इस प्रोजेक्ट को अब हम रोकने नहीं देंगे। शुक्रिया।